A very good morning to everyone. I hope I am audible and visible to all of you. ये जो क्लास है हमारा वो एक्चुअली सीरीज ऑफ इन्वायरमेंट करेंट अफेयर्स का है जो बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आपने पिछले 5 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें. समझ में आ रहा है आपको? सो एवरी वन अ वेरी गुड मॉर्निंग. निखिल बंसल, वेदांती एंड नेहा सिंह. चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? और आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आए. पिछले 5 क्लासेस जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है इसे आप ज़रूर देखें. समझ में आ रहा है? इससे आपको बेसिकली कंटिन्यूटी के बारे में मालूम चलेगा. और एट द सेम टाइम जैसे हम आज के लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो चीज़ जो है वो आपको बेसिकली हो सकता है वो पिछली क्लासेस से कनेक्टेड हो, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी. तो पिछले 5 वीडियोस आपने अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें. इसे मैंने YouTube पे प्रोफाउंड IAS चैनल जो है वो YouTube चैनल, उसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दिया. इसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है. तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? तो जो सबसे पहला स्पीसीज जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. बहुत इम्पोर्टेंट स्पीसीज है. इसे हम लोग गिब्बी भी बोलते हैं. गिब्बी, समझ में आया? अगर आपको ये स्पीसीज नहीं दिख रहा है तो ये देख लीजिए. इसे माना जाता है कि वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड. वन ऑफ द हैवीएस्ट नहीं, इट इज़ बेसिकली हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड. ये सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी है. समझ में आ गया आपको? अगर आपने इसे कभी भी नहीं देखा है तो अगर YouTube पे आपने देखा हो या कहीं पर भी पिक्चर्स देखे हों तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं देखा है तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस तरीके से जो है वो वन ऑफ दी हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है. समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है. समझ में आ रहा? हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे कि अच्छा बताइए गिब्बी के बारे में ये खासियत, तो आप बोलिएगा क्या कि ये हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, ठीक है? चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं. सबसे पहली बात जो शुरुआत में लिखा हुआ है कि ये इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. क्रिटिकली इंडेंजर्ड का क्या मतलब हुआ भाई? क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब हुआ कि पिछले 10 साल में, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है प्रीवियस क्लासेस में, अगर नहीं देखा जरूर देख लें, कि पिछले 10 साल में 90% ऑफ द स्पीसीज जो है वो मारे गए हैं. ये बात आपको जानना इम्पोर्टेंट है. और इसके बहुत सारे रीजंस हैं. अच्छा, अभी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं करेंट अफेयर्स में? कुछ ना कुछ बात ज़रूर हुआ होगा जिसकी वजह से आज हम इसे पढ़ रहे हैं. सबसे पहली बात, हमें पढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसे IUCN ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहा है. जब भी कोई स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड बन जाता है ऑटोमेटिकली UPSC के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो स्पीसीज़ अब बहुत बहुत इंडेंजर्ड है. वो स्पीसीज अब ख़त्म होने के कगार पे आ गया. अगर आपने कंजर्वेशन नहीं किया तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे. समझ में आ रहा है? इसीलिए ये स्पीसीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक, आगे बढ़ते हैं. देखिए क्या है सबसे बड़ी बात, क्या है, क्यों ये न्यूज़ में रहा? सबसे पहली बात यहाँ पर इसलिए न्यूज़ में रहा ये कि अभी रिसेंट साइटिंग पाया गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पाकिस्तान के कोलिस्तान डेजर्ट में. पाकिस्तान के कोलिस्तान डेजर्ट में ये जो है अभी अभी पाया गया है. समझ में आ गया? देखने को मिला. हालांकि ये इंडियन डेजर्ट्स में, इंडियन डेजर्ट्स जो हैं उनमें खूब मिलता है, थार वगैरह में, लेकिन राजस्थान बेल्ट में, गुजरात बेल्ट में खूब मिलता है, लेकिन पाकिस्तान के भी कुछ एरियाज में ये देखने को मिला है, ये जान लीजिएगा. यानी इसका कोहैबिटेट है पाकिस्तान और इंडिया के राजस्थान और गुजरात में, और भी है, महाराष्ट्र में भी मिलता है, कर्नाटका में मिलता है, पर सबसे ज़्यादा जो नंबर है इनका वो है राजस्थान में, और एट द सेम टाइम आपको गुजरात में मिलता है, लेकिन पाकिस्तान जो एडजॉइनिंग डेजर्ट एरिया है उसमें भी ये देखने को मिलता है. अभी रिसेंट साइटिंग देखने को मिला है पाकिस्तान के कोलिस्तान डेजर्ट में. समझ में आ गया? ये स्पेकुलेशन है कि इंडेंजर्ड बर्ड जो है वो उड़ के चले गए होंगे अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क से उड़ के चले गए होंगे पाकिस्तान के एरिया में. समझ में आ गया? ये ध्यान रखिएगा. अब देखिए इसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क है. इसी के बारे में UPSC ने 2022 में पूछा था. समझ में आ रहा है? तो देखिए किस तरीके से एक स्पीसीज के हैबिटेट पे UPSC क्वेश्चन पूछ लेती है. तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा,
बेसिकली कि किस तरीके से आपको किसी के हैबिटेट के बारे में भी स्पीसीज से ही पढ़ना है। इससे इंटरकनेक्टेड टॉपिक बहुत आते हैं यूपीएससी में, इसलिए ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा सर। समझ में आ गया? नेक्स्ट नेक्स्ट ये है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इट्स द हैवीएस्ट ऑफ द फ्लाइंग बर्ड स्पीसीज है। समझ में आ गया? और ये उसी हैबिटेट में पाया जाता है जहाँ पे ब्लैक बग पाए जाते हैं। अगर आपने स्पीसीज के बारे में नहीं सुना हो तो अगर आपको सलमान खान का केस पता हो तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा समझना। समझ में आ रहा है? सलमान खान का जो केस था वो बेसिकली इसी से रिलेटेड था, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या था, क्या हुआ था, वो हम साथ साथ हैं कि शूटिंग चल रही थी, उसमें ब्लैक बग को ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इसको मार दिया था। समझ में आ रहा है? अभी भी ये इस केस में फंसे हुए हैं, ठीक है। हैबिटेट क्या है? एरिड एंड सेमी एरिड ग्रासलैंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ग्रासलैंड्स अगर मिल जाए तो बल्ले बल्ले हैं। समझ में आ गया आपको? ये ध्यान रखिएगा। स्कैटर्ड शॉर्ट श्रब्स मिल जाएं, बुशेस मिल जाएं, लो इंटेंसिटी कल्टीवेशन मिल जाए, फ्लैट एंड जेंटली अंडुलेटिंग टेरेन मिल जाए, ये इनके लिए बेस्ट हैबिटेट है क्योंकि दे आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन ग्रासलैंड्स। समझ में आ गया? इसके अलावा फाउंड इन इंडिया एंड द एडजॉइनिंग रीजन ऑफ पाकिस्तान, ये इंडिया और एडजॉइनिंग रीजन ऑफ पाकिस्तान, इसलिए तो मैंने बताया कि पाया ये दोनों जगह जाता है, लेकिन अभी रिसेंट कुछ ज़्यादा अमाउंट में बर्ड्स हमको पाकिस्तान के कोलिसन डेजर्ट में नजर आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया की बात, तो बर्ड हैज़ हिस्टोरिकली फाउंड इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब जगहों पे भी हिस्टोरिकली पाया गया है। लेकिन अभी चूंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड बन गया है, इसके हैबिटेट सिकुड़ गए हैं, इसीलिए ये अब कुछ ही स्टेट्स में, जैसे कि आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। मुख्यतः ये राजस्थान और गुजरात में देखने को खूब मिलता है। समझ में आ गया? ये ध्यान रखिएगा, गुजरात राजस्थान का तो ये स्टेट बर्ड भी है। समझ में आया? ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक, ओके। आगे इसके बारे में देखें, थ्रेट क्या है भाई? इसकी हंटिंग की जा रही है सर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में और कई बार ट्रॉफी के फॉर्म में रखने के लिए। समझ में आ रहा है? माइनिंग, स्टोन क्वेरिंग, स्टोन क्वेरिंग क्या है? स्टोन का हम लोग खुदाई करते हैं ना, ताकि स्टोन हम लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, हैवी पेस्टिसाइड यूज़, आप एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे उससे ये खा के मर जाते हैं। ग्रासलैंड्स कन्वर्जन, इसके बाद पावर प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशन ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी पेलोन्स, विंड टर्बाइन, सोलर एनर्जी। विंड टर्बाइन में क्या होता है कि टर्बाइन जब चल रहा होता है तो उड़ते वक्त इन पे लग जाता है और ये मर जाते हैं। समझ में आ गया? इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इन सब के वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे गिब्बी भी बोलते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रोटेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो नेचुरली एक इनमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, ये अपेंडिक्स वन में आते हैं, ठीक। दूसरी बात, शेड्यूल वन में, यानी कि अगर आपने इसको मारा तो कचर दिए जाएंगे। कचर दिए जाने का सेंस मतलब क्या है? हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, और अगर मान लीजिए किस तरीके से आप पोचिंग करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट, चूंकि राजस्थान का एक बर्ड भी माना जाता है स्टेट ऑफ राजस्थान का, तो उन्होंने प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड करके स्टार्ट किया है। इसमें ये क्या कर रहे हैं, पहला तो कहाँ कहाँ गिब्बी पाए जाते हैं, समझ में आ रहा है आपको, कहाँ कहाँ गिब्बी पाए जाते हैं उनको आइडेंटिफाई किया है ना, उनकी फेंसिंग करी है, और बस्टर्ड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, उनकी ब्रीडिंग भी करा रहे हैं ताकि इनका पॉपुलेशन एग्जैक्टली बढ़ पाए। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया आपको, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद इनके बारे में क्या खासियत है प्रोटेक्टेड एरियाज में, क्या खासियत है सर प्रोटेक्टेड एरियाज की अगर बात करें तो डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी राजस्थान में ये पाए जाते हैं, इसके बाद रोलमपदु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, और करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में ये काफ़ी नंबर्स में पाए जाते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? ये तीनों के तीनों आपको जो है याद करने होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पर आपको गिब्बी देखने को मिल सकता है। अगर कभी राजस्थान जाने का मौका मिले, गुजरात जाने का मौका मिले तो ज़रूर इसे आप देखें। इसके अलावा हमारा जो आज का इन करंट अफेयर का टॉपिक है वो है ग्रेटर फ्लेमिंगो। कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बताना यूट्यूब पे कि
बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों है ग्रेटर फ्लेमिंगो, और आप लोग जो ऐप पे देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ग्रेटर फ्लेमिंगो व्हाई इट इज़ इन न्यूज़, न्यूज़ में क्यों है ये, समझ में आ गया। फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ्लेमिंगो के दो पार्ट हैं, एक ग्रेटर फ्लेमिंगो है और एक लेसर फ्लेमिंगो है, समझ में आ गया। दोनों के IUCN स्टेटस अलग अलग हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया में दो स्पीसीज पाए जाते हैं बेसिकली फ्लेमिंगोस के, ग्रेटर फ्लेमिंगो पाया जाता है, समझ में आ रहा है। ये इसका बेसिकली फेनिरोकोप्टेरस रोसस करके इसका साइंटिफिक नाम है। इंडिया में ये पाया जाता है। विंटर के टाइम पर ये बेसिकली साउथ इंडिया में चले जाते हैं, उनके मर्स फ्लैट्स एंड लार्ज रिजर्वायर के फॉर्म में। विंटर क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में और साइबेरिया में बहुत ठंड पाई जाती है, तो इस वजह से ये लोग कहाँ चले जाते हैं, ये लोग गर्मी वाले क्षेत्रों में थोड़े चले जाते हैं, तो साउथ इंडिया में आपको देखने को काफ़ी मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर फ्लेमिंगो का IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, लीस्ट कंसर्न, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन वहीं पर लेसर फ्लेमिंगो जो कि रन ऑफ कच्छ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पाया जाता है, उसका IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। देखिए दोनों में इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने वाला पड़ेगा कि जो ग्रेटर फ्लेमिंगो है वो लीस्ट कंसर्न है और जो लेसर फ्लेमिंगो है ये नियर थ्रेटेंड है, समझ में आ गया। अगर गलती से भी इन्होंने आपको दे दिया और आपको लेसर फ्लेमिंगो दे दिया और आपने लीस्ट कंसर्न मार दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें कि किस में क्या करना है, ठीक है। ठीक, अच्छा, अब ये न्यूज़ में क्यों था ये भी जान लेते हैं। एनिमल फ्लेमिंगो फेस्टिवल होता है पुलिकट लेक पर। अगर आपको पता ना हो तो पुलिकट लेक किधर है तो मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए पुलिकट लेक इज़ हियर, पुलिकट लेक इज़ हियर, ठीक है। पुलिकट लेक यहाँ पर है सर, पुलिकट लेक पड़ता है आपको आंध्र प्रदेश और बेसिकली तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ता है ये, ठीक है। इट्स अ लगून, इट्स अ लगून, समझ में आ गया। और भी कुछ जैसे कि नीलापत्तू सेंचुरी है, वहाँ पर भी ये पाया, मतलब ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। आप सोचिए एक बर्ड के नाम पे फेस्टिवल मनाया जाए तो वो अपने आप ही करंट अफेयर का पार्ट बन जाता है। एनुअल फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है वो कब मनाया गया है, अभी एनुअल फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया गया है जनवरी 2023 को पुलिकट लेक के पास, समझ में आ रहा। अदर वैल्यू कहाँ जहाँ पर मनाया गया वो है नीलापत्तू, इसके बाद सुलुरपेट्टा, फिर अतिका कनीपिट्टपे, थोड़ा साउथ इंडियन नेम है, अतिकानी टेप्पा और बीबी पालम, ये दो, ये चार जगहों पर ये एनुअल फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर पुलिकट लेक के पास रिच बायोडाइवर्सिटी और हाई बायोमास ऑफ फिशेस पाए जाते हैं, प्लैंकटन सी पाया जाता है, इसीलिए ये बायोडाइवर्सिटी रिच है, समझ में आ रहा है। ये इसीलिए हमारे इंटरेस्ट एरिया में आता है ये, समझ में आ गया आपको, ये ध्यान रखिएगा। पुलिकट लेक जो है सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है लगून चिल्का के बाद, समझ में आ गया आपको। ये बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पे पाया जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पर ग्रे पेलिकन, पेंटेड स्टॉक, ये सब स्पीसीज पाए जाते हैं, ये सब नियर थ्रेटेंड स्पीसीज हैं IUCN स्टेटस के हिसाब से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास गैंगेटिक डॉल्फिन आता है, गैंगेटिक डॉल्फिन, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको करंट अफेयर में जानना है जो कि गैंगेटिक डॉल्फिन से रिलेटेड था। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग केवल और केवल जो करंट अफेयर है वो नहीं पढ़ रहे हैं। नॉर्मली हमारा यही अप्रोच रहता है कि हम केवल करंट अफेयर पढ़ के निकल लेते हैं। सर, करंट अफेयर पढ़ने से कुछ नहीं होना, ये बात आप ध्यान रखिए, केवल करंट अफेयर पढ़ने से कुछ नहीं होना है। अगर कोई टॉपिक करंट अफेयर में है तो क्या करंट अफेयर में, उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो स्पीसीज क्या है, कहाँ पाया जाता है, वो जहाँ पाया जाता है उसके बारे में क्या खासियत है, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो हमें जानना होगा, समझ में आ गया आपको, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारे लिए जो है वो ग्रेटर, ये गंगा डॉल्फिन जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एक मिनट, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, देखिए दो तीन चीज़ें हैं। अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कहा है कि डॉल्फिन जो है वो गंगा में वापस से आ रहा है बिकॉज ऑफ दी नमामि गंगे प्रोग्राम, बिकॉज ऑफ दी नमामि गंगे प्रोग्राम, नमामि गंगे प्रोग्राम के वजह से ये डॉल्फिन वापस हमारे यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। ये एक हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है।
दूसरी चीज जो है वो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जिसको NDRC बोलते हैं, वो बैंक ऑफ द गंगा रिवर यानी पटना यूनिवर्सिटी के पास है, वहाँ पर मतलब पटना यूनिवर्सिटी के पास हुआ, यानी कि नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना में खोला गया, ये ध्यान रखिएगा, पटना में खोला गया, ये रिसर्च सेंटर है, इस पर रिसर्च चल रहा है। दूसरा है क्या, बिहार गवर्नमेंट इज सेटिंग अप द इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी एट द विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी, यानी कि देखिए दो बातें हैं, एक पटना में जो खुला है वो बेसिकली रिसर्च सेंटर है, और जो भागलपुर विक्रमशिला में खुला है वो क्या है सर, वो हमारा क्या है, वो बेसिकली ऑब्जर्वेटरी है, जो भागलपुर में खुला है, भागलपुर में खुला है वो है क्या, ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन में काफ़ी ज़्यादा हमें जो है मतलब कि गंगा का ये गैंगटिक डॉल्फिन का पॉपुलेशन देखने को मिलता है, समझ में आ गए, ये ध्यान रखिएगा सर, ठीक ठीक। इसके अलावा नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में जान लीजिए, देखिए यही सिंपल है, अगर आपसे कोई पूछता है ना तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि उस प्रोग्राम में था क्या क्या, समझ में आ गया। तो नमामि गंगे प्रोग्राम में जो है क्या क्या है, नमामि गंगे प्रोग्राम में ये हमारे लिए दो तीन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नमामि गंगे प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप स्पीसीज है, इसे अभी अभी COP15 के तहत जो है कुनमिंग मॉन्ट्रियल के अंदर इसे फ्लैगशिप वर्ल्ड के जो सबसे सक्सेसफुल फ्लैगशिप प्रोग्राम से उसमें इसे लिस्ट किया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर जो है ये कुछ 8 एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, एफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, आपने देखा होगा बहुत सारे सिटीज़ में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हुआ है, बायोडाइवर्सिटी, पब्लिक अवेयरनेस एंड गंगा ग्राम, ये 8 प्रोग्राम इसके अंदर आते हैं। आपके प्रीलिम्स से पूछेगा कि नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से 8 कंपोनेंट्स हैं, तो आप सीधे सीधे इसका आंसर कर देंगे, ये ध्यान रखिए, दीज आर द मेन पिलर्स ऑफ दी नमामि गंगे प्रोग्राम, समझ में आ गया, क्या क्या, सीवेज साफ करिए, रिवर सरफेस की क्लीनिंग करिए, एफॉरेस्टेशन करिए, इसे सस्टेनेबल एफॉरेस्टेशन होगा, हैबिटेट कंजर्व होगा, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग होगा, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होगा, बायोडाइवर्सिटी मैनेज होगी, पब्लिक अवेयरनेस होगा और गंगा ग्राम होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा सर, इसके बिना काम नहीं होगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली रिवर, अगर गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में जान लें क्योंकि यही हमारा करंट अफेयर में था, है ना, तो क्या है यहाँ पर, गंगा रिवर डॉल्फिन जो है वो गंगा मेघना ब्रह्मपुत्रा और कर्णफुली संगू रिवर इकोसिस्टम में पाया जाता है, ये इंडिया बांग्लादेश नेपाल तीनों में पाया जाएगा। गैंगटिक रिवर डॉल्फिन इन इंडिया जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल है सर, एग्जाम में पूछा गया था ये कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन कौन सा है, तो क्या जवाब देंगे आप सर जी, जवाब ये होगा आपका कि गंगा रिवर डॉल्फिन जो है वो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और क्या बातें हैं, इसे हम लोग सुसु भी बोलते हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, ये जब सांस लेता है ना तो एक विशेष तरह की विस्लिंग साउंड आता है, इसे सुसु बोला जाता है इसे, ठीक है। इसके अलावा 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन पाए जाते हैं, एक तो गंगा रिवर हो गया, दूसरा हो गया आपका यांगसे रिवर चाइना, तीसरा इंडस इन पाकिस्तान, बोतो जो है वो अमेजॉन रिवर, यानी कि बैजी बोलते हैं उस रिवर, उस डॉल्फिन को जो कि यांगजे में पाया जाता है, यांगजे रिवर में पाया जाता है, भूलन बोलते हैं जो पाकिस्तान इंडस में पाया जाता है, अब बोतो बोलते हैं अमेजॉन रिवर, जो अमेजॉन रिवर में जो पाया जाता है बोतो, यानी कि गंगा रिवर जो है 4 एक्चुअली रिवर डॉल्फिन है, फ्रेश वाटर रिवर डॉल्फिन, उसमें एक गंगा रिवर है, बाकी 3 जो है उनके भी नाम मैंने बता दिए हैं, समझ में आ गया आपको, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये केवल रिवर में ही नहीं पाया जाता, ये लेक्स में भी पाया जाता है, तो इसलिए आप गलती मत करिएगा कि केवल रिवर में पाया जाता है। प्रोटेक्शन की अगर बात की जाए तो IUCN स्टेटस के हिसाब से इनका स्टेटस इंडेंजर्ड है और ये लिस्टेड है साइट्स अपेंडिक्स 1 के अंदर और ये वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी शेड्यूल 1 में डाले गए हैं, यानी बहुत गहरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन की अगर बात करें तो यहाँ पर सर जी जो है यहाँ पर भारी मात्रा में आपको क्या पाए जाते हैं, डॉल्फिन पाए जाते हैं, गंगा डॉल्फिन पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा सर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थ्रेट्स क्या है सर, थ्रेट्स है, इसका क्या थ्रेट्स है,
थ्रेट्स क्या कर रहे हैं, एक तो सबसे बड़ा पोल्यूशन है, दूसरा क्या रिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ वाटर है, पोचिंग कर दे रहे हो, मार दे रहे हो, शिपिंग ड्रेजिंग कर दे रहे हो। ड्रेजिंग क्या होता है, खुदाई होती है नीचे का वाटर का लेवल बढ़ाने के लिए, क्या होता है जो सिल्टेशन होता है उसको हटाया जाता है, उसको ड्रेजिंग कहते हैं। एक खासियत है गंगा रिवर डॉल्फिन में कि ये ब्लाइंड स्पाइज ब्लाइंड होते हैं, इनकी आँखें नहीं होती। एक्चुअली क्या है ना कि ये इवोल्यूशन हुआ है, गंगा के मडी वाटर्स में जब ये जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती थी इनको, तो अब ये क्या करेंगे कि बिल्कुल ब्लाइंड हो गए हैं इवोल्यूशन के तहत, आंखें बंद हो गई हैं इनकी, तो अब ये इको लोकेशन करते हैं, समझ में आ रहा है। इको लोकेशन मतलब सोनिक वेव्स भेजकर अपने प्रे को ढूंढते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली ये मूवमेंट करते हैं, समझ में आ गया आपको। ये ध्यान रखिएगा इको लोकेशन पे ही ये डिपेंडेंट है पूरी तरीके से, ठीक है, ठीक है सर, ये ध्यान रखिएगा। आगे क्या है सर, हॉलॉक गिब्बन, गिब्बन देखिए, गिब्बन दिस इज इम्पोर्टेंट सर। What is the importance of gibbon? Why we are studying this thing, yeah, this topic? देखिए सबसे पहली बात तो gibbon का population decline कर रहा है, point number one. Point number two, gibbon एकमात्र ऐसा species है जो इंडिया में as a ape पाया जाता है, और कोई भी ape species इंडिया में नहीं है। अब आप बोलेंगे सर जी ape क्या होता है, ये बंदर से कैसे अलग है, What is the difference between ape and a monkey? समझ में आ गया, तो ape and a monkey में क्या difference है सर, वो देखना पड़ेगा सर। देखिए एक चीज देखिए, प्राइमेट्स जो होते हैं, प्राइमेट्स समझ में आ गया, प्राइमेट्स की दो कैटेगरीज हैं, प्राइमेट्स की दो कैटेगरीज हैं, एक है आपका प्रोसीमियन प्रोसीमियंस और दूसरा है एंथ्रोपॉइड्स। तो प्रोसीमियंस में आके लेम्यूर्स वगैरह हो जाते हैं, वो भी एक बंदर जैसा ही स्पीसीज है पर थोड़ा सा कलरफुल होगा, अलग होगा, तो ये एक अलग ब्रांच है। दूसरा जो एंथ्रोपॉइड्स है, एंथ्रोपॉइड्स में बेसिकली दो तरह की स्पीसीज, एक होते हैं मंकी, ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड मंकी, और दूसरे होते हैं होमिनॉइड, जिसे एप्स बोलते हैं आप, समझ में आ गया आपको। तो दोनों में क्या अंतर है ये बात आप समझिए, दोनों में अगर आपको अंतर जानना है तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे एप क्या है और मंकी क्या है, देखिए एप मंकी जो होता है ना वो टेल होता है उसका, पूंछ होता है, पर एप का टेललेस होता है, पूंछ नहीं होता। जैसे इंसान एप है, ओरंगुटान एप है, गिब्बन एप है, समझ में आ रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, एप जो होता है उसका ब्रेन साइज ज्यादा बड़ा होता है, ब्रेन साइज जो होता है वो बड़ा होता है। मंकी का ब्रेन साइज जो होता है वो क्या होगा, कंपैरेटिवली छोटा होगा। अच्छा, फिजिकली भी एप जो होता है फिजिकली भी बड़ा होता है, फिजिकली भी बड़ा होता है, लेकिन ये जो होते हैं ना छोटे होते हैं, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखिए दीज आर एप्स, ये हमारे ने एप हैं, ये हमारे क्या है, एप है। जैसे कि देखिए गोरिल्ला एप है, ये गोरिल्ला है, ये ह्यूमन एप है, इसके अलावा बताएं ओरांगुटान जो है वो एप है, चिंपैंजीज एप हैं, गिब्बन एप है, समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने जो तस्वीर दिखाई है वो एप की दिखाई है, ठीक, देखिए एप है। तो हमारे यहाँ क्या है, जो पहला टेललेस होलॉग गिब्बन दिखाई दिया है, ओनली एप फाउंड इन इंडिया, एकमात्र ऐसा एप है इंडिया में पाया जाने वाला जो कि होलॉग गिब्बन है, जो इंडिया में पाया जाता है, समझ में आ गया आपको। होलॉग गिब्बन को कैटेगराइज किए थे दो टाइप से, एक होता है वेस्टर्न होलॉग गिब्बन और दूसरा होता है आपका ईस्टर्न होलॉग गिब्बन। जो वेस्टर्न होलॉग गिब्बन है वो साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र में पाया जाता है, साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर में पाया जाएगा, दिबांग रिवर्स के ईस्ट में पाए जाएंगे। अच्छा, ये ज़्यादातर आपको बांग्लादेश, नॉर्थ वेस्ट म्यांमार, इंडियन स्टेट में, आसाम वगैरह में पाया जाएगा, समझ में आ रहा। इसका जो IUCN स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है, याद रखिएगा इंडेंजर्ड है। ईस्टर्न वाला जो पाया था, जो चाइना वगैरह में, सदर्न चाइना, नॉर्थ ईस्टर्न म्यांमार, आसाम के कुछ एरिया में, अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया में, उसका स्टेटस वल्नरेबल है सर, ये ध्यान रखिएगा। और दोनों को शेड्यूल वन में डाला गया है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, यानी कि एक्सट्रीम प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है इनको, इन दोनों को, समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसके PDFs आपको कहाँ मिलेंगे, ये PDF आपको आराम से जो है, ये PDF आपको आराम से जो है कहाँ मिल जाएगा सर, ये आपको मेरे ऐप प्रोफाउंड IAS का जो ऐप है, मैंने कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया है इस ऐप का जो लिंक है,
ठीक है, ऐप का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में डाल दिया, वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, आप बोलेंगे सर मैं तो सीधे आपका पीडीएफ पढ़ लूँगा, क्लास देखने की क्या ज़रूरत है। सर बहुत ज़रूरत है, इस पीडीएफ में इतनी बातें नहीं है जितनी मैं क्लास में बता देता हूँ, समझ में आ रहा है आपको? तो ये ध्यान रखिएगा, मैं पूरी चीज़ें पीडीएफ बेसिकली आपके पीडीएफ में डालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सर देर आर सर्टेन लिमिटेशन, अब सब कुछ नहीं डाला जा सकता, समझ में आ गया कि नहीं, है ना? लिखने की और बोलने की दोनों की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए हम लोग जो है हमें ज़रूर इसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक अगला स्पीशीज़ है पिग्मी हॉग, पिग्मी हॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़। देखिए पहले ये ना क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, लेकिन नाउ इट हैज़ बीन कैटेगराइज अंडर द इंडेंजर्ड कैटेगरी, इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको किया गया है, तो अब ये इंडेंजर्ड बन गया है, ठीक है। पिग्मी हॉग जो है एक तरह का समझ लो वाइल्ड सुअर रोडेंट टाइप का है, समझ में आया? अब ये क्या है, इसके अंदर एक खासियत है, देखो पहले क्या हो रहा था ना, मानस में पाया जाता है, ग्रासलैंड चाहिए इसको, तो अब ये ग्रासलैंड के डिक्लाइन होने की वजह से ये भी डिक्लाइन होने लगे थे, तो इसके ऊपर जो जंतु थे यानी कि लूइस एक कीड़ा होता है इनके शरीर के ऊपर रहते हैं, तो जब पिग्मी हॉग खत्म होने लगा तो लूइस भी मरने लग गए, तो ऐसे ही पता चलता है कि किसी एक स्पीसीज के गिरने से दूसरी स्पीसीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो फ्यू कैप्टिव ब्रीडिंग के फॉर्म में पिग्मी हॉग का वर्ल्ड रेयरेस्ट स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग्स जो होते हैं वो मानस से पाए गए, इसे कैप्टिव ब्रीडिंग की जा रही है अब ताकि इनका पॉपुलेशन बढ़े, और ताकि बढ़ाया भी गया है क्योंकि पहले ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, अब इसे इंडेंजर्ड में हाल ही में किया गया है ये, ठीक है। पिग्मी हॉग की अगर बात करी जाए तो ये नेटिव टू एलुवियल ग्रासलैंड्स हैं, ध्यान रखिएगा सर, हिमालय के फुटहिल्स पे पाया जाता है ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेट है इसका, और ये 300 मीटर एलिवेशन तक रह सकता है। ओनली नोन पॉपुलेशन लिव इन असम, मानस इज नोन फॉर पिग्मी हॉग, याद रखिएगा सर। कुछ ऐसे नेशनल पार्क होते हैं जो कुछ फ्लैगशिप स्पीसीज के वजह से जाने जाते हैं, मानस में जो एक नोन बहुत इम्पॉर्टेंट नोन स्पीसीज है वो है पिग्मी हॉग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। पॉपुलेशन एस्टिमेटेड जो है वो लेस देन 250 मच्योर इंडिविजुअल ही बच गए हैं, शेड्यूल वन में डाला गया इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, और इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, याद रखिएगा सर, इंडेंजर्ड है, ठीक है, इंडेंजर्ड है सर, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया गया है यहाँ पर, ठीक, ये बेसिकली दुर्रल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट ऑफ UK असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाइल्ड पिग स्पेशलिस्ट ग्रुप IUCN और यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, इन सब के मदद से ये प्रोग्राम चल रहा है, ये बेसिकली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है NGO अरण्यक और इकोसिस्टम इंडिया के तहत। 6 हॉक्स पाए जाते हैं, 2 मेल और 4, 6 हॉक्स को ब्रीड किया जा रहा है, 2 मेल हैं और 4 फीमेल हैं, इन्हें कैप्चर किया गया है, उसकी ब्रीडिंग की जा रही है और पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। याद रखिएगा सर कि कुछ मानस तो इम्पोर्टेंट है ही, सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरांग और बरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें इसके पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, समझ में आ गया, ये ध्यान रखिएगा सर, ठीक। इसके अलावा ओलिव रिली टर्टल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलिव रिली टर्टल के बारे में खासियत ये है कि इसका IUCN स्टेटस सबसे पहली बात वल्नरेबल है, पर दिस इज नॉट द खासियत, दिस इज द थ्रेट विच दिस स्पीसीज इज फेसिंग। अच्छा, ये थ्रेट है क्यों, समझिए इस बात को। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि ऐसे करके शोर बनाए गए, ठीक, और ये है आपका ओशियन और ये है आपका कंटिनेंट, इसमें बीचेस होते हैं, समझ लो ये बीचेस हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सीजन में ये जो ओली डुली टर्टल होते हैं तैर के आते हैं और ये बीचेस पे चले जाते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, मेल और फीमेल ब्रीडिंग मेटिंग करते हैं और जो अंडा होता है उसे वहीं पर छुपा के छोड़ के चले जाते हैं, ये लोग वापस अपने बच्चे को लेने आते हैं, वापस ये पानी में चले जाते हैं, समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि जब ये अंडा यहाँ छोड़ते हैं तो कुछ लोग, चाहे कुछ शिकारी हों या कुछ वाइल्ड डॉग्स हों, समझ में आ रहा है, या उनके अंडे को फोड़ देते हैं, कई बार क्या होता है कई सारी लाइटिंग होती है यहाँ पर, तो उसके वजह से कंफ्यूज होकर ये जो है शोर की तरफ जाने लग जाते हैं, तो लोग इनको पकड़ पकड़ के मार देते हैं, इस वजह से ये अब थ्रेटेंड हो गए हैं, वल्नरेबल इनका IUCN स्टेटस हो गया है। अच्छा, ये जो एक्टिविटी है जिसमें ये समुद्र से कंटिनेंट की तरफ जाते हैं, इस एक्टिविटी को कहा जाता है अरीबदा, याद रखिएगा इसे क्या बोलते हैं, अरीबदा, इस पूरी फेनोमेना को अरीबदा बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक, अरीबदा बोलते हैं। टर्टल एंड इट्स सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्टल,
टर्टल का क्या, टर्टल टोर्टाइस से कैसे अलग है? देखिए ज़्यादातर टोर्टाइस जो होते हैं ना वो लैंड ड्वेलिंग होते हैं, लैंड पे रह लेते हैं, लेकिन जो टर्टल होता है वो पार्टली एक्वेटिक होता है, उसे पानी भी चाहिए। कोल्ड ब्लडेड स्पीसीज होते हैं ये सारे के सारे। कोल्ड ब्लडेड का मतलब दे कुडंट एबल टू कंट्रोल देयर ओन टेम्परेचर लाइक वी, लाइक अस। जैसे हम लोग ह्यूमन होते हैं ना, वो अपने टेम्परेचर को खुद कंट्रोल कर पाते हैं, पर टर्टल जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने पॉपुलेशन, अपने टेम्परेचर को। तो वो बेसिकली जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। समझ में आ गया, ये ध्यान रखिएगा। तो इसे कोल्ड ब्लड स्पीसीज कहा जाता है, ठीक है। ये स्लो मेटाबॉलिज्म पाया जाता है इसका, तो इसीलिए सर्वाइव कर पाते बिना फूड एंड वाटर के भी काफ़ी दिनों तक। IUCN के हिसाब से बेसिकली जो है स्पीसीज टर्टल्स जो है वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में करते हैं। फिलहाल ओलिव ब्लू टर्टल जो है हमारा किस कैटेगरी में है? हमारा जो है कैटेगरी है उसका बेसिकली वल्नरेबल है कैटेगरी में, ठीक है। जितने भी सी टर्टल्स हैं उनके मैंने तस्वीर आपको दिखा दिया, प्लीज़ एक बार ज़रा देख लें इसे। इंडिया में जो पाए जाते हैं वो है ओलिव ब्लू टर्टल, जो ये है। इंडिया में ओलिव ब्लू टर्टल पाया जाता है, ग्रीन टर्टल पाया जाता है, हॉकबैक, हॉक्सबिल पाए जाते हैं, लॉगर हेड पाया जाता है, ये वाला पाया जाता है। समझ में आ रहा है? चार पांच स्पीसीज इसके पाए जाते हैं ना, ग्रीन टर्टल पाया जाता है, हॉकबिल पाया जाता है, इसका लॉगर हेड पाया जाता है, और मेरे ख्याल से लिथरबग भी पाया जाता है। ये तो यानी कि एक ये पाया जाता है, दूसरा ये पाया जाता है, तीसरा ये पाया जाता है, चौथा लॉगर हेड पाया जाता है, इसके बाद चौथा ये पाया गया, और पांचवा ये पाया गया। ये देख लो पांचों स्पीशीज के मैंने तस्वीर भी दिखा रखी है। देखें पांचों का नाम और इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इंडिया में पांचों स्पीशीज पाए जाते हैं। अच्छा, इनकी क्रिटिक जो इंडिया में पाए जाते हैं उनका क्या IUCN स्टेटस है? तो देखिए सबसे पहली बात तो जो जो ऑलिव ब्लू टर्टल है, ग्रीन टर्टल है, लॉगर हेड टर्टल है, और हॉकबिल टर्टल है, और लिथरबैक, मैंने आपको बताया पांच टर्टल पाए जाते हैं उसमें, ऑलिव ब्लू टर्टल, लिथरबैक और लॉगर हेड, इसको वल्नरेबल स्टेटस दिया गया IUCN रेड लिस्ट में। इसके अलावा हॉकबिल की अगर बात करी जाए तो उसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और ग्रीन टर्टल की बात की जाए तो उसे इंडेंजर्ड दिया गया। तो ये पांचों आपको याद करने पड़ेंगे सर, समझ में आ गया। ऑलिव के साथ कौन कौन है? लॉगर हेड एंड उसके पास लिथर बैक है और लॉगर हेड, यानी कि सारे एल वाले ओ के साथ हैं, यानी कि वल्नरेबल हैं वो, ठीक है। और जो हॉकबिल है वो क्रिटिकली, हॉकबिल याद रखिएगा वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और ग्रीन जो है वो इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो यानी कि एल वाले लिथर बैक, लॉगर हेड और ऑलिव वल्नरेबल हैं। उसके अलावा हॉकबिल की बात करी जाए तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और ग्रीन की बात करी जाए तो इंडेंजर्ड है। ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल वन में प्रोटेक्टेड है, यानी जितने भी आपके ज़्यादातर थ्रेटन स्पीशीज होंगे उसे शेड्यूल वन में ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, समझ में आ गया। और टर्टल हैव बीन प्रोटेक्टेड इन इंडिया अंडर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड गंगा रेजुविनेशन प्रोग्राम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक, ये चीज़ क्लियर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑलिव टर्टल के बारे में मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है। ये आपको मालूम है कि ये लोग अरीबदा करते हैं, ठीक है, वल्नरेबल स्टेटस है इनका, और ये बेसिकली इंडिया में क्या करते हैं, ये ले करने के लिए ऑलिव ब्लू टर्टल जो है एग्स के लिए आते हैं, और कई बार इनके एग्स को तोड़ दिए जाते हैं, वाइल्ड डॉग्स वगैरह मार देते हैं, डिस्क्रिमिनेट फिशिंग की जा रही है, डेंस फिशिंग की जा रही है, इसके वजह से इनका स्टेटस वल्नरेबल हो गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हैबिटेट में मैंने बताया कि वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट पाया जाता है। ये गहिर मथा जो है एक जगह है ओडिशा में ही, ऋषिकुलिया बीच, ये सब जगह पर आते हैं और वो बेसिकली अरीबदा एक्टिविटी करते हैं। ये देखिए यहाँ पे नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। पूछते हैं, क्रॉल करते हैं शोर की तरफ, ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा दूंगा सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कहाँ पर गहिर मथा है। देखिए ये बहुत बढ़िया डायग्राम बनाया है इन्होंने, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ये है गहिर मथा। अगर आप देखें तो यह महानदी रिवर के जस्ट नॉर्थ पे पारादीप पोर्ट है, यहाँ पर उसके नॉर्थ में है, और ये पूरा गहिर मथा मरीन सेंचुरी बना दिया इन लोगों ने, ठीक है। देवी रिवर और बहुत सारी रिवर्स यहाँ फ्लो करती हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक। इसके अलावा बात करें तो ड्यूगोंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ड्यूगोंग के बारे में क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, कि ये एक मरीन है मैमल स्पीसीज है ना, जो कि हर्बीवोर होता है, सी ग्रास पे डिपेंडेंट है, समझ में आ गया आपको।
और ये बेसिकली सी पे ही एग्जिस्ट कर सकता है, इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, समझ में आ गया। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको उसके अंदर रखा गया है। अच्छा, गल्फ ऑफ मन्नार वगैरह में पाया जाता है, अंडमान निकोबार और कच्छ में भी पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, कुछ लोग ये भूल जाते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हमने कहा कि जो करंट अफेयर के हिसाब से जो चीज़ें स्पीशीज नज़र आया मैंने उन सबको लिस्ट डाउन कर दिया है, तो ये चूँकि पढ़ चुके हैं हम लोग। ये लोग क्यों भाई क्रिटिकली इनके वल्नरेबल, ये थ्रेटन्ड स्पीशीज क्यों है, रीज़न ये है क्योंकि ये डिपेंडेंट है सी ग्रास के ऊपर, और सी ग्रास ही निकाल दे रहे हैं ये लोग, ट्रॉलिंग बॉटम ट्रॉलिंग कर दे रहे हैं, समझ में आ गया। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया है इन लोगों के ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कंजर्वेशन के लिए क्या क्या स्टेटस दिया गया मैंने बताया था, 13 में भी बोला गया, 15 में भी किया गया है ड्यूगोंग को ध्यान रखने के लिए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी जो है वो कंजर्वेशन ऑफ ड्यूगोंग के लिए कई सारी इनिशिएटिव, टास्क फोर्स देख रहे हो सर, टास्क फोर्स लाया है सर, बहुत बड़ी बात है किसी भी चीज़ के लिए टास्क फोर्स ले आना, समझ में आ गया, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा लाइन टेल्ड मैकॉक है, ये रिसेंटली अपने डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के वजह से भी न्यूज़ में था। इसके अलावा IUCN ने इसका स्टेटस चेंज किया तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, क्या है इसमें चक्कर, क्या है लाइन टेल्ड मैकॉक का, ये नीलगिरीज में पाया जाता है बेसिकली, समझ लीजिए आप, वेस्टर्न घाट्स नीलगिरीज में, यह आपको देखेगा कर्नाटका केरला और तमिलनाडु, UPSC ने पूछा भी था ये, ध्यान रखिएगा, इंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स के। डायर्नल एबोरियल स्पीसीज है, ज़्यादातर ये पेड़ के ऊपर रहते हैं, ठीक है, पेड़ के कैनोपीज के ऊपर, मॉनसून फॉरेस्ट में ये पाया जाता है, ध्यान रखिएगा इसका। अच्छा, इसका स्टेटस क्या है IUCN स्टेटस, तो वो भी देख लीजिए, देखिए IUCN में ये इंडेंजर्ड है, इसका स्टेटस चेंज हुआ है, समझ में आ गया आपको, पहले क्या था और अभी तो इंडेंजर्ड है, पहले क्या था, जो भी मुझे कमेंट सेक्शन बताएगा मेरी तरफ से आई स्कीम, ठीक है। अपेंडिक्स 1 में साइट्स में डाला गया और शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है इसको रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा सर, ठीक है, ओके। इसके अलावा इसके जो कंजर्वेशन वाला है वो है कुद्रेमुख नेशनल पार्क, पेरियार और साइलेंट वैली, ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, समझ में आ गया। मैपिंग में भी मैंने 100 डेज में बताया है, और इसके अलावा साइलेंट वैली इज पार्ट ऑफ द नीलगिरी, राइट, ये ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है। हैबिटेट लॉस, स्कार्सिटी ऑफ द फ्रूट जिस पे ये डिपेंडेंट है, हंटिंग, ठीक है, पेट ट्रेड, इसके लिए जो है लाइन टेल मैकॉक का पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है। कल हमारी स्पीशीज की आखिरी क्लास होगी सर, ध्यान रखिएगा सर, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे स्पीशीज से, ठीक। हमने आपको बहुत भारी मात्रा में, कल एक आखिरी क्लास होगी, उसमें 10-12 स्पीशीज और हैं जो करेंट अफेयर में थे जिसके बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना है, तो वो मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लूँगा तो आपकी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके बाद आपको स्पीशीज से कोई क्वेश्चन पूछे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर इट, स्पीसी से चाहे कुछ भी पूछेंगे वो, यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, समझ में आ गया, कुछ भी उन्होंने पूछा आपसे तो। मैंने इतनी स्पीसीज आपको अभी तक करा दिया है, कल हमारी स्पीसीज की आखिरी क्लास होगी, उसके बाद करंट अफेयर में हम लोग बायोडाइवर्सिटी से हटकर क्लाइमेट चेंज की तरफ जाएंगे, समझ में आ गया आपको। अच्छा, अगर आप लोग यूट्यूब पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, एट द सेम टाइम हमारे कुछ कोर्सेज जो प्रोफाउंड IAS के ऐप पर आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऐप पर आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे सेंटर पे आकर ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लखनऊ में हमारा एक ब्रांच चल रहा है, उसमें 100 डेज कोर्स है हमारा, समझ में आया, जो चल रहा है, जो 2023 प्रीलिम्स के लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है यू हैव मिस समथिंग। फाउंडेशन कोर्स की बात हम लोग कर रहे हैं सेलेक्ट 20 में 2024, ये UPSC 2024 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो ये ऐप पर और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, फाउंडेशन कोर्सेज भी ऐप पर और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अवेलेबल होगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर के जरूर करें। थैंक यू, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।